माई चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार करा है या नहीं करा है, या वो आपसे सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये चीजें देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, उनके बारे में आप जरूर सोचिएगा, जो भी आपके अच्छे पल थे उसके बारे में। ठीक है, टाइप कीजिए। यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। यूनिवर्स टाइप कीजिए, बताइए। इंट्यूशन, क्या व्यूअर्स के पर्सन सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। पैशन गाइड कीजिए, मेरे से बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन सच्चा प्यार करते भी हैं मेरे व्यूअर्स से। गाइड कीजिए, मुझे बताइए। चर्च, गाइड कीजिए, मेरे से बताइए तो व्यूअर्स के पर्सन सच्चा प्यार करते भी हैं नहीं। पेशेंस एंड प्लानिंग, गाइड कीजिए, मेरे से बताइए ये सच्चा प्यार करते भी हैं नहीं। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कैंसर, यहाँ पे स्कॉर्पियो, यहाँ पे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पे एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, उन्होंने इस वक्त में आपको एक वेटिंग मोड पर डाल रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपका इंतजार भी कर रहे हैं, और यहाँ पर वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग तो करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बेसिकली ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा पैशनेट होता हुआ या होती हुई तो दिख रहा है। इस पर्सन की ना इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं इंट्यूशनली ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच का जो भी रिश्ता है ना, वो सही हो जाएगा। यानी कि ये इस रिश्ते पे एक होप बनाकर बैठे हुए हैं, और आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में ये पार्टनरशिप चाहते हैं, यानी कि आप ही का साथ चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टिंग ये आप ही के साथ चाहते हैं। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये आपको लेकर आज भी वही पैशन, वही स्पार्क इस रिलेशनशिप में चाहते हैं और रखते भी हैं। ठीक है, आपके साथ ये बेसिकली कंप्लीट होना भी चाहते हैं, और काफी ज्यादा अपने इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना फोकस बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है, और उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ना प्रेयर के थ्रू मांग रहे हैं, और इन्हें होप भी है कि आप लोगों का साथ ना हो जाएगा, आप लोग वापस से रीयूनियन में आ जाओगे, वापस से मिल जाओगे। तो इन 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो यही पता चलता है कि हाँ, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को के लिए जो भी इन्हें पेशेंस रखना पड़ रहा है ना, जो भी सब्र रखना पड़ रहा है, वो भी ये रख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए बार बार पुश कर रही है। यहाँ पर ये चीजें भी ज्यादा दिख रही हैं। चलिए टैरो से और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से अभी भी सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अभी भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अभी तक क्या क्या आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए व्यूअर्स, और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अभी भी मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। गाइड कीजिए व्यूअर्स, और बताइए डेथ, पेज ऑफ कप्स। गाइड कीजिए व्यूअर्स, और बताइए जजमेंट। गाइड कीजिए व्यूअर्स, और बताइए एम्प्रेस। और यहाँ पे आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे द हेरोफेंट और यहाँ पे आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज, जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, जैसे यहाँ पे है टॉरस की एनर्जी, यहाँ पे आपके स्कॉर्पियो की एनर्जी, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक्वेरियस, यहाँ पे आपकी टॉरस की एनर्जी हो गई और ये आपकी कैंसर एनर्जी है। नंबर्स मुझे यहाँ पर 5, 11 और 20, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मई नवंबर मंथ, जो अच्छे या बुरे किसी भी तरह से आपकी लाइफ से जुड़ गए हैं। काफी लोगों के केस में यहाँ पर आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पर्सन थोड़ा रिलेशनशिप के मामले में थोड़े इमेच्योर तो दिख रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में इश्यूज दिख रहा है, काफी लोगों के बीच में फैमिली को लेकर इश्यूज हैं और काफी लोगों के बीच में यहाँ पर पैसों को लेकर इश्यूज हैं, लेकिन ज्यादातर इश्यूज यहाँ पर आप लोगों के बीच में फैमिली को लेकर है, जैसे कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपरा, स्टेटस, छोटा बड़ा, जो भी फैमिली, जितने भी आप लोगों के बीच में एक्सक्यूजेस ला सकती है ना, वो इश्यूज तो यहाँ पर डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों के केस में आप लोगों के बीच में स्टेटस का चेंज है, या फिर आपके पर्सन की अपने स्टेटस के हिसाब से कहीं और मैरिज कराने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ पर ये भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो और वहां पर पैसों को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा फैमिली को लेकर ज्यादा डिवोटेड है, इस वजह से इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहते हैं, उनकी बात ज्यादा मानते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत, इस वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज है। तभी आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या ये पर्सन अब मुझसे सच्चा प्यार करता है या करती भी है या नहीं है, और इसी रीजन की वजह से इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा, ये आपकी लाइफ से गए, कोल्ड में छोड़कर गए, बिना कुछ कहकर ही आपकी लाइफ से चुपचाप गए हैं। ऐसा भी इन्होंने इसीलिए करा क्योंकि मैच्योरिटी लेवल पे ये कम थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो वजह, ये जो भी रीजन मैंने आपको बताए है ना, बेसिकली ये पर्सन ना उन सिचुएशन को ले, जिसकी जो सिचुएशन है उसको लेकर और आपको लेकर बहुत ज्यादा जगल कर रहा है या कर रही है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में ये है कि किससे छोड़े, किसे अपनी लाइफ में लेकर आए। जो भी इनके लाइफ में इस वक्त में चल रहा है, उसे उसका डेथ तो करना चाहते हैं, उसमें ये अब स्टक नहीं रहना चाहते, उसमें मूवमेंट तो बिल्कुल चाहते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उस इश्यूज का डेथ करना चाहते हैं। रीजन इसका ये है कि ये आपको भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपकी भी मेमोरीज इन्हें बहुत ज्यादा आ रही हैं, और आपकी मेमोरीज में सबसे ज्यादा इन्हें याद आ रही हैं आपकी क्वालिटीज, जिसके लिए ये कभी पास्ट में आपके प्रति अट्रैक्ट हुआ करते थे। जो भी आपने इनको हेल्प करी, चाहे पैसों को लेकर हेल्प करी हो, चाहे केयर करके करी हो, किसी भी तरह से, वो बातें, वो चीजें इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, और इसी वजह से इन्होंने आपके साथ जो भी रिश्ता है ना, उसे होल्ड पे डाल रखा है। यहाँ पे हमने बताया था ना कि ये बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इस रिश्ते को होल्ड पे डाल रखा है, क्योंकि बेसिकली ये चाहते तो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आना, मूवमेंट करना, आपसे बातचीत करना,
और कहीं ना कहीं ये सृष्टि में आपको बहुत ज्यादा मांगते हुए भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड दो बार आप लोगों की रीडिंग में आया है, जो बता रहा है कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत के लिए जो गट्स चाहिए इन्हें, जो लीड इन्हें लेनी चाहिए फुल टू हिम्मत के साथ, फुल टू करेज के साथ, वो नहीं जुटा पा रहे हैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली आप लोगों के बीच में जो भी वजह है ना, उस वजह के आगे आपके पर्सन की हिम्मत बहुत कम रह जाती है, इसीलिए ये आपको सच्चा प्यार करते तो है लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये है, ये आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन उस अट्रैक्शन के लिए इन्हें जो हिम्मत जुटानी है, इन्हें जो स्टेप उठाना है वो ये उठा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्लानिंग तो कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। यहाँ पर ये दिख रहा है बहुत ज्यादा पेशेंस बनाए बैठे हैं, बहुत ज्यादा भगवान से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़कर आपका साथ, आपका हाथ मांगते हुए तो दिख रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन भी इन्हें ऐसा ही बोल रही है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाए, कोई तो काम करे ताकि आप लोग वापस से रीयूनियन में आ जाओ, आप लोगों का साथ वापस से एक हो जाए। ठीक है, तो प्यार तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके सामने जो वजह है ना आपसे दूर जाने की, वो ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से इनका प्यार यहाँ पर कम पड़ रहा है। इनकी हिम्मत यहाँ पर जवाब दे रही है, कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई है। ठीक है, चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं इस रिश्ते का, भाई प्यार की रीडिंग है तो रोमांस एंजल से ही देखते हैं इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ठीक है, गाइड कीजिए मेरा सा, बताइए इस रिश्ते में आगे क्या होगा। यूनिवर्स लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। Getting to know each other, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। What waiting for, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होना है रिश्ते में आगे। यूनिवर्स You deserve love, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होना है इस रिश्ते में आगे। यूनिवर्स Reconciliation, भाई क्या बात है। ओके, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ना कंट्रोल करना चाह रहे हो, या ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसी वजह से सिचुएशन आपकी ना बैलेंस नहीं हो पा रही है। आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें एक तरफ से तो बहुत ज्यादा एफर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो एफर्ट अभी कम हो रही है। जैसे कि आप इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन का एफर्ट जो है वो कम दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, इन पर ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, इसीलिए आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आकर खड़ी हुई, ये सवाल आकर आप लोगों के बीच में इसीलिए खड़ा हुआ। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन को पहचानना होगा कि भाई ये पर्सन इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा सकता या जुटा सकती, क्योंकि इसके सर्कमस्टेंसेस, इसका आसपास का माहौल ऐसा है जिसमें इसे कंट्रोल करा जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करना होगा, बजाय उनके ऊपर कंट्रोल करने के, बजाय उन पर डाउट करने के। तो आपको उन्हें जानने के लिए, पहचानने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है, देखो आपको इंतजार तो यहाँ पे करना होगा, और आपका जो इंतजार है करना वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप प्यार डिजर्व करते हो, और आपके इस रिलेशनशिप में आगे रिकंसिलेशन ही होना है, आप लोगों का यहाँ पर साथ बिल्कुल होना है, यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन पर, अपने बंदे पर या बंदी पर तो ट्रस्ट तो आपको ही करना होगा, क्योंकि अगर आप ही इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो बेसिकली आप ही इनकी हिम्मत तोड़ रहे हो। अगर आप इन पर भरोसा रखोगे तो आप इनकी सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत बन पाओगे, यहाँ पर ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, रिकंसिलिएशन तभी होगा जब आप इनकी हिम्मत बनकर इनका साथ दोगे,
क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन वो उतनी हिम्मत, उतने गट्स नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, प्यार इन्होंने आपसे सच्चा करा है और अभी भी आपसे बिल्कुल ही करते हैं, सच्चा प्यार ही करते हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ये देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए बाबा क्या कहना चाहते हो इस सिचुएशन के बारे में। यूनिवर्स और बाबा भरोसा गाइड कीजिए, पीड़ा गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज बाबा आप बताइए क्या कहना चाहते हो सिचुएशन के मामले में। यूनिवर्स चाहता है उदी की ताकत, तीन सी एक कार्ड है दीजिए बताइए, देवी समय। देखिए यही चीज बाबा आपसे बोल रहे हैं, बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो पीड़ा है ना वो आपको उन्नत बनाने के लिए दी जा रही है। ठीक है, आपको तराशने के लिए, आपके प्यार को, आपके भरोसे को तराशने के लिए दी जा रही है ये परेशानियां, ये पीड़ा। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ से ना तीन सी को कट, क्लियर एंड कैंसिल, यानी कि आपके माइंड में जो भी परेशानियां, जो भी चिंताएं चल रही है ना उसे अपने माइंड से पूरी तरह से इरेज करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो वो चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट एंड रिपीट करी जाएंगी। आपको जो दर्द दिया जा रहा है वो आपका भरा भी जाएगा, बाबा की तरफ से बिल्कुल भरा जाएगा, लेकिन भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल दैवीय समय, एक डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आएगा जो आप लोगों का साथ, आप लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन बिल्कुल करके रहेगा। यहाँ पर बाबा आपसे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भरोसा तो आपको रखना होगा। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बाबा आपसे बोल रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन आपके हैं तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में फिर से आएंगे, पर उस पर विश्वास आपको करना होगा। पीड़ाएं आपको इसीलिए दी जा रही हैं ताकि आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके भरोसे को, एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है उसे पहचाना जाए, उसे समझा जाए। लेकिन आपके साथ हो रहा है, आप भरोसा नहीं रख पा रहे हो, और उसके भरोसा रखने की बजाय आप बार बार अपनी परेशानियों को और चिंताओं को ना रिपीट एंड रिपीट अपने दिमाग में चला रही हो, जिस वजह से वो चीजें आपको रिपीट एंड रिपीट दी जा रही है। इसीलिए आपकी लाइफ में जो आपका दैवीय समय है ना वो आने में डिले हो रहा है, क्योंकि आप उसके कर्ता धर्ता खुद बन रहे हो, यहाँ पर ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आपके पर्सन के मैसेजेस और पढ़कर हम रीडिंग का करेंगे एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। चलिए, पहला आया है आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई स्टिल रिमेम्बर, यानी कि वो आपको आज भी याद करते हैं, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा कि वो आपको आज भी याद करते हैं। विल यू वेट फॉर मी, वो आपसे कंफर्मेशन मांगना चाहते हैं कि क्या आप उनका आज भी इंतजार कर रहे हो। हैव यू मूव्ड ऑन, कि क्या आप उनसे मूव ऑन कर गए हो। आई विल कम बैक एंड देन वी कैन फाइट अगेन, यानी कि वो आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे, दैवीय समय आप लोगों का बिल्कुल आएगा, रिकंसिलेशन आप लोगों का बिल्कुल होगा, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। आई सो वॉन्ट टू कॉल यू, वो भी आपसे बेनतहा चाहते हैं बात करना, वो आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं आई फॉरगिव यू। तो कुछ चीजों के लिए शायद उन्हें कोई चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, उसके लिए वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ कर दिया। ठीक है, तो आपको बस यहां पर बेसिकली भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है, आपका रिकंसिलेशन बिल्कुल होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, लेकिन भरोसा आपको बिल्कुल रखना होगा यहाँ पर। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।